नमस्कार, मैं जिमी जोर और खड़ा हूँ यहाँ पर जन्मभूमि पास में। कंस किला भी घूमेंगे और आपको घाट के दर्शन कराएंगे। बोलो यमुना मैया की जय। घर से पैक पैक करें और निकलें और यहाँ घूमें, मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाने और नंदगांव, बहुत ही मजा यहाँ पर आ रहा है। बरसाने में राधा रानी के दर्शन करेंगे, उनके महल के दर्शन करेंगे और ये है आज हमारा उड़न खटोला। ये हमें उड़ान ले जाएगा भैया, लाल रंग का है ये। आदि सीढ़ी हम चढ़कर आ रहे हैं, आदि सीढ़ी हो रहे हैं और महसूस हो रहा है ये मंदिर भी जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये भव्य पहाड़ी हुआ करती थी, ये पहाड़ी पिघल गई। मथुरा में जन्म हुआ, उनके पिता वसुदेव जी टोकरी में रख के जमुना नदी पार करके रात्रि के 12 बजे यहीं छुपा गए थे। देखो ये है बलराम जी का घर, यहीं भगवान बलराम का जन्म हुआ रोहिणी माता की गर्भ से। जिमी जोरदार हूँ रमन रेती आश्रम में। कन्हैया जी इधर 9 साल 49 दिन रहे थे, सारी लीलाएं इधर से की हैं, इधर 12 बने 56 कुंडे नंदगांव में। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ राधा रानी मंदिर के पास बरसाने में और ये है राधा रानी चाट भंडार। ये तो आलू की सब्जी में खिलाओगे ना? अच्छा स्वाद है। नहीं है, खाकर बताओगे तो पता चलेगा। फ्रिकी की तरह ये घुमाते रह रहे हैं कि जो खाओगे तो फिर ब्रजवासी हो जाओगे। पोतरा कुंड के पास आया हूँ, यहाँ पर अनलिमिटेड खाना खाने, पता है कितने में? सिर्फ 70 रुपए में। एक बाइट और ले लूँ, दाल मुझे बहुत पसंद है भाई, बहुत बढ़िया खाना है। जिंदगी के दम में कुछ यूं लीन हो गए, पता ही नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए।